इस वीडियो में मैं आप लोगों को जर्मनी की एक बहुत ही सुंदर और आइकॉनिक प्लेस दिखाने वाली हूँ, जो कि इंस्पिरेशन है डिज्नी कैसल की। मैं तो इसे एज ए डिज्नी कैसल की इंस्पिरेशन से ही जानती हूँ। जगह का नाम है नॉयशॉयनस्टाइन। ये जो आइकॉनिक कैसल है ये म्यूनिक से 110 किलोमीटर्स पर है। आप कार से डे ट्रिप भी कर सकते हैं, आप ट्रेन से भी म्यूनिक से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बस से भी बस टूर ले सकते हैं। और अगर आप किसी यूरोप के दूसरे पार्ट में रहते हैं या जर्मनी में किसी और सिटी में रहते हैं तो भी मैं आपको ये सारी जगह रिकमेंड करूंगी। गार्मिश पार्टिन किशन भी हम लोग जाने वाले हैं और ये कैसल आज देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक दो जो जगह हैं वो भी कवर करी हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और हम लोग हैं अभी फ़िलहाल बायन में। आपको ऑलरेडी हमने बताया मतलब पहले कुछ व्लॉग्स में कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जॉब स्टार्ट कर दी एंड लकीली फ्राइडे को स्टार्ट किया था एंड सैटरडे संडे जो है वो हम लोगों को फ्री मिल गया। और इस सैटरडे संडे यहाँ पर अच्छा खासा वेदर हो रहा है, तो हमने सोचा कि आसपास घूम लेते हैं। तो आपको याद होगा हमने आपको टॉप 5 पिक्स बताया था, उसमें एक हमने आपको बताया था गार्मिश। तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं कल, पर आज हम लोग जाने वाले हैं एक कैसल है जो जर्मनी का बहुत ही ज़्यादा फेमस कैसल है। लोगों ने मतलब बोलते हैं कि वो देखना चाहिए, तो वो भी जाएंगे हम लोग। तो लेट्स गो। ऑब्वियसली हम लोगों को उसको डिज्नी वाला जो नॉयवांगस्टाइन है, नॉयशॉयनस्टाइन हाँ, जो बहुत ही जो डिज्नी का सिंबल बना है ना, हाँ, वो उसी के उससे तो सिमिलर बनाया हुआ है। अच्छा, तो वहाँ जाएंगे। तो लेट्स गो विद अस, आज हम आप लोगों को यहाँ पर घुमाते हैं। ये एक ट्रैवल व्लॉग प्लस एक व्लॉग टाइप का वीडियो होगा जिसमें आप हमारे साथ घूमोगे, आपको बड़ा मजा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो इस ट्रैवल सीरीज के लास्ट पार्ट में हम लोग थे फॉर्गनजे, और फॉर्गनजे से ये जो कैसल है वो सिर्फ 15 मिनट्स में हम लोग ड्राइव करके पहुंच गए थे। मैं ये बोल रही हूँ कि देखो ये जो कैसल है ये हर जगह से दिख रहा है, और अब हम लोग यहाँ खड़े हैं कि हम फोटो ले पाएं, लेकिन नहीं आ पा रही है फोटो। वो जितना अच्छा आंखों से दिख रहा है वो फोटो में नहीं आ पा रहा है ना दीपक, नहीं आ पा रहा है वो फोटो में। बहुत बहुत अच्छी जगह पर वो बनाया हुआ है भाई। सर लुडविक आपको सलाम। हाँ, और वहाँ से लेक भी दिखती है, जो लेक में हम लोग गए थे जिसका नाम था फॉगनजे है, फॉगनजे वो दिखती है ऊपर से। तो ये पहाड़ का तो व्यू है ही है, प्लस वो लेक भी दिखता है वहाँ से, और इतनी ऊंचाई में तो आई डोंट नो। और ये देखो ये डॉगी पता नहीं क्या कर रहा है, पर ठीक है हमें क्या करना।
दीपक कहाँ बैठ के कॉफी पी रहे हो? लुडविक के घर के बाहर। ये लुडविक का घर है, देखो पीछे जो किला दिख रहा है ये लुडविक का किला। बहुत फेमस किला है, मतलब जो ऑब्वियसली सुरभि ने बताया था उस वीडियो में कि जो डिज्नी का सिंबल है, लोगो है, वो भी इसी के, मतलब इससे इंस्पायर्ड है, आपने देखा होगा। और बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मतलब अभी तो दिख ही रहा है और विंटर में तो गजब ही लगता है स्नो के टाइम पर। और जो किंग लुडविक था उसने बनाया था ये किला, बस उसके दम पे जनता यहाँ पर टूरिज्म चला रही है, नोट छाप रहे हैं, हम बहुत बैठ के कॉफी पी रहे हैं। और कितना अच्छा माहौल हो रहा है ये देखो, ऊपर से लोग टपक रहे हैं, देख रहे हो तुम्हारे पीछे आसमान में। And here I am, Surbhi. और ये देखो लोग, हाँ पैराग्लाइडिंग यहाँ पर बहुत चल रही है, बहुत खतरनाक चल रही है पैराग्लाइडिंग। और मैं दीपक से बोल रही हूँ प्लीज मुझे पैराग्लाइडिंग करा दो। कर लो। तो उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और केबल कार जो है वो अभी बंद हो गई है, हमें कल आना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के गेम्स है बच्चों के लिए ना, जिसमें बड़े इंजॉय कर रहे और दीपक चकाचौंध होता हुआ। तो बड़ा बढ़िया सा लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे कैसे, तो यहाँ पर आप लोग केबल कार से जा सकते हो, या तो आप खुद कैसल घूम सकते हो कि कैसल कैसा है, या फिर कैसल को पास से देख सकते हो, मतलब अपोजिट तरफ से। तो उसके लिए आपको चैगलबर्ग केबल कार लेनी होगी, जिसका जो कॉस्ट है एडल्ट का कुछ 15 यूरो है, चिल्ड्रंस का डिफरेंट है, सीनियर सिटीजन्स का डिफरेंट है। दीपक अपना ना हर थोड़ी देर में माइक बंद कर देता है, इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के दो कि भाई ऐसा मत करो, जनता नीड्स दीपक। जनता मेरी आवाज सुनना चाहती है। हाँ। मधुर तो नहीं है आपकी आवाज। अरिजीत सिंह हो तुम मेरे। अरिजीत सिंह सुनते ही हार्ट अटैक पड़ जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर, है ना, कितना अच्छा लग रहा है, लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। पर अब हम जा रहे हैं, हम कहाँ पर रुके हुए हैं दीपक? हम गारमिस में ही, कि उससे थोड़ा दूर, 10 किलोमीटर। हाँ, तो गारमिश में अगर आप लोगों को आना है तो प्लीज यार बुकिंग पहले से ही कराओ, क्योंकि मिलती नहीं है लास्ट मोमेंट पे। समर के टाइम में तो कहीं भी जाना है, बुकिंग पहले से ही कराओ। हाँ, तो लास्ट मोमेंट पे हमें नहीं मिली वहाँ पर, तो हमने आसपास में कहीं गांव में कराई है। तो अब हम लोग वहाँ की तरफ निकल रहे हैं, और वो भाई जो लुडविक का किला है ना, उस पे तो मेरा दिल आ गया। मैं दीपक से, दीपक यार खरीद लो ना तुम मेरे लिए। पहले खरीदा खरीदी नहीं होती थी, पहले तो अटैक हमला होता था। तो अटैक कर लो। एवरी पना था पहले यार, हमें पसंद आया तुम्हारा किला, हमला करो। और आज मुझे पसंद आया, मैं पता है इसको पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ, इतना क्यूट है ये। बन गया है पैराग्लाइडिंग करने का, तो दीपक अभी सोच रहा है ये लेके कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर है फ्लाई रॉयल करके, सामने ही आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से। चलो पूछ आते ना, तो खुला है शायद। पूछना क्या है? हाँ, तो यहाँ पर ना 5 बज गए, तो आप सब बंद हो गए। 5 नहीं, आई थिंक 7 बज गए होंगे। 5 बजे 5 बजे, अच्छा 5 बजे ये सब बंद हो गया। बंद हो जाती है और ये भी। तो अगर आप लोग करना है तो सही टाइम पे आना, तो हम सही टाइम पे आएंगे। मैं फोटो खिंचा रही हूँ, ये मेरा किला है आज से। क्यों हंस रहे हो? गाली में बैठ गए। गाली नहीं, गाड़ी में बैठ गए हम लोग, और हम जा रहे हैं कहीं पर। हम लोगों ने ना फ्यूसन देखा था ऐसे ही, मतलब जब ड्राइव करके आ रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छा टाउन लग रहा था, है ना दीपा? तो हम शायद, हो सकता है कल गारमिश से घूमते घूमते यहाँ भी आए। कितना किलोमीटर है दीपक यहाँ से गारमिश? 50-60। 50-60 नहीं, फिर नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हो सकता है नहीं। खैर, अब तो गारमिश ही घूमेंगे कल। अच्छा, यही आसपास ही रहना है अब। ड्रोन शॉट्स लेने में बहुत मजा आया, क्यों दीपक? हाँ। बहुत मजा आया। हम लोग दूर है, हम हाँ काफी सारे प्लेन्स उड़ रहे हैं ऊपर से। हाँ, तो थोड़ा डर लग रहा है, मतलब क्योंकि तो ज्यादा दूर नहीं उड़ा पा रहा हूँ मैं। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, तो ठीक है, अब कोई नहीं, बाद में ले लेंगे। चलो तो
ये था हमारा डिज्नी कैसल का एक्सपीरियंस। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो जरूर कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो मेरी एक फेवरेट प्लेस में से एक है वो दिखाने वाले हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अड्डे का रुके थे कुछ खाने के लिए लेने के लिए। जब अपन ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादा नहीं खाते हैं ना, एक बार बस खा के निकलते हैं और फिर रात में खाते हैं। तो ये देखो अड्डे का कहाँ पर है, पहाड़ों में। सच में पहाड़ काट काट के बनाया है ये बी आर लेबन्समिटन।